लोगों के घर टैक्स की चोरी पकड़ने वाला आयकर विभाग खुद ही चोरी की वारदात का शिकार हो गया। यह चोरी आयकर विभाग के ऑफिस से 2 करोड़ का सोना शनिवार की रात को चोरी हो गया। खास बात यह है कि यह ऑफिस पुलिस के अवैध कमांड सेंटर के नजदीक है। रविवार सवेरे चौकीदार ने अलमारी के ताले टूटे देखे तो अफसरों को सूचित किया। अफसरों ने मौके पर पहुंचकर पुलिस अधिकारियों को सूचना दी, साथ ही विभाग के जयपुर स्थित अधिकारियों को जानकारी दी। इसके बाद पूरे विभाग में हड़कंप मच गया। पुलिस के बड़े अफसर मौके पर पहुंच गए। विभाग में हुई इतनी बड़ी चोरी की खबर पूरे शहर में फैल गई। लोग तरह तरह की चर्चाएं करने लगे। आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा ने पिछले दिनों शहर के एक ज्वेलर के यहाँ सर्वे किया था। हिसाब नहीं मिलने पर सोने चांदी के जेवरात जब्त कर लिए थे। इनमें से एक बॉक्स में शनिवार रात को अज्ञात चोरों ने हाथ साफ कर दिया। ये जेवरात अलमारी में रखे हुए थे, जिसे तोड़कर खोल दिया। दूसरा बॉक्स दिखाई नहीं देने के कारण सुरक्षित रह गया, जिसमें 60 लाख रुपए के जेवरात रखे हुए थे। चोरों ने वारदात से पहले सीसीटीवी को तोड़ दिया, जिससे रिकॉर्डिंग नहीं मिल पाई। उनका कोई सुराग भी नहीं लगा। इसके साथ ही वहां रखे कुछ जरूरी कागजात भी फाड़ दिए। पुलिस ने मौके से फिंगरप्रिंट जुटा लिए हैं, साथ ही चोरों की तलाश के लिए टीम गठित कर ली गई है। कोई चोर रात को आए हैं, पीछे के जो सीढ़ियाँ थी अपने ऑपरेटिव, उनमें आए, तोड़ करके दरवाजा तोड़ करके मेरे रूम का लॉक और कुंडी तोड़ी, तोड़ करके अंदर एंटर होकर के और आलमीरा जिसमें चाबी रहती है हमारी सेफ की, उस आलमीरा को किसी लोहे की बड़ी राड वगैरह से चोड़ा किया, उसमें से चाबी निकाल कर सेफ डबल लॉक वाली सेफ है उसमें से जेल लेके 2 बैग गए कर ले। सर कितनी ज्वेलरी बनाई, कहाँ जेल दी? करीबन 2.25 करोड़ रुपए। सर वो बताया जा रहा है कि एक ही वहाँ से भी एक ही ग्रुप की थी, एक ही ग्रुप के 2 प्रीमाइसेस पर जब्त किए घरों से। तो चोर सीसीटीवी ले गए क्या? सीसीटीवी ले गए चोर? हाँ, चोरों ने आते ही सबसे पहले जो हमने फुटेज देखा है तो सबसे पहले सीसीटीवी कैमरा ही पड़ा है।